मुझे एक बात बताया, कहा है कि जिस दिन हंसना बंद कर दोगे उस दिन खत्म हो जाओ। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में हंसी खत्म होगी, हंसना खत्म होगी, हैप्पीनेस खत्म होगी, डिप्रेशन में तुम दुनिया में कोई बैटल जीत ही नहीं सकते, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। तुम जब भी बैटल जीतोगे तुम खुश रहोगे तभी जीतोगे। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, ठीक है? तो अगर कभी हारना तो यही समझना कि भाई मैं ठीक से लड़ा नहीं, ठीक है? वरना ऐसा कोई भी एग्जाम्पल या कुछ भी नहीं है मेरे सामने जिसमें किसी ने एफर्ट किया हो और उसे सक्सेस नहीं मिली हो। एम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, देश बदले हैं, ये सब, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब छोटे छोटे पड़ाव हम लोग पार करते चले। तो अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी, मतलब तुमको खुद के ऊपर नाज होना चाहिए, ठीक है? लोगों को तुम पे नाज होना चाहिए, लेकिन हमें खुद के ऊपर भी बहुत नाज होना चाहिए कि आई हैव डन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एवरी वन ऑफ यू हैज अ पोटेंशियल एंड दिस इज माई कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सब्जेक्ट टू द कंडीशन यू स्टे डिटरमाइंड, फॉलो अर्जुन, ठीक है? गोल पर जब तक हमको अपना गोल नहीं, नेवर स्टॉप टिल योर गोल इज नॉट अचीव्ड। और ऐसा काम करने में मजा नहीं है जिसमें स्ट्रगल नहीं है, ठीक है? फिर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मजा तभी है जब स्ट्रगल है, कुछ चैलेंज है। तो यूपीएससी एग्जाम के बाद और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम अभी नहीं समझ पाते। तो इट इज समथिंग लाइक इट इज, यू आर फॉर्चुनेट, यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, योर पेरेंट्स हैव गिवन यू अपॉर्चुनिटी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु नेवर गेट दिस अपॉर्चुनिटी। स्टिल देयर आर एग्जाम्पल्स हु हैव क्लियर्ड इवन विदाउट कमिंग टू राजेंद्र नगर, ठीक है? तो जिसको सक्सेस, उसके ऊपर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, उसको तो फिर भगवान भी सपोर्ट करता ही है, ठीक है? तो ऐसे ही डोंट लाइक अपने लाइफ का एक दो साल यू जस्ट गिव, स्टे फोकस्ड, जिस चीज के लिए आए हैं उससे हारना नहीं है, यूपीएससी को जीतना है, यूपीएससी से हारना नहीं है, ठीक है? ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जाकर के इतनी सारी तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी है, अगर लाइफ में किसी एक को भी हम उसका जीवन सुधार सके, एक किसी को हैप्पीनेस दे सके, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है? तो जब तुम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, तुम इतने सारे लोगों का जिंदगी सुधार सकते हो। और अल्टीमेटली क्या रहता है इस दुनिया में, किसी भी व्यक्ति का नाम रहता है, ठीक है? तो नाम करो, पैसे वैसे वो अपने आप ही आएगा, ठीक है? लेकिन नाम करना है, लड़ना है, स्ट्रगल करना है, और कभी हार नहीं मानना है। और हमेशा एक और मेरा काफ़ी इंस्पायरिंग वो है कि क्या मतलब उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, और जीतता वही है जिसके इरादों में जान होती है, ठीक है? स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। आपका मर्जी है आप वो कब करो स्ट्रगल, अभी कर लो या फिर 50 साल उम्र में करना। बट इफ यू वॉन्ट टू बिकम एनीथिंग, स्ट्रगल इज मस्ट। एंड वेन यू आर यंग, फुल ऑफ एनर्जी, द स्ट्रगल मेक्स मोर सेंस। Risk makes more sense now. That's why don't give up. Give it your best shot. And I am here. Don't get frustrated in life. Okay. Ek aad attempt nahi hua. God forbid, 3-4 attempt bhi nahi hua. Nothing to lose. All we want is you give your efforts to the best possible. Life mein na, ek time aisa hona chahiye when you have really worked hard. Like you could have never worked like. Itna mehnat karo, you know, you drop down and you are falling asleep. Ek baar life hona chahiye, 6-7 months, 1 year of work, where you literally grind yourself. Okay, and that will take the distance. Everybody worked anything in their life, they have spent some time doing that grind. And grind where it almost felt like you will die. Okay. But nobody dies. But that one grind. Discipline. That is very important. I tell you, sir, all people who are successful have been disciplined.
desires for another 2 years. And it is about being excited, eager to work. If you are not eager, sir, you quit the examination. Even if you have invested, say, 1 lakh rupees or 2 lakh rupees and lot of time and energy, I say quit. Or otherwise, I tell you this, please internalize it. Approach the examination not with a defensive mindset, but with an aggressive mindset to conquer it. Aggressive mindset doesn't mean that I will become only IAS. Aggressive mindset is I will give my best. I will make it a point that I will study 7 to 10 hours every day. Every day ki baat keh raha hu. Every day means every day. Saturday, Sunday doesn't mean holidays. Samajh gaya na, maine 7 to 10 bola aisa. Okay, if you are taking some coaching also for 6 hours, that is your headache. You have to take 7 hours out. You just can't claim that because of the coaching, 3 hours are done in coaching only, 1 hour coming out from the coaching institute. 4 hours studying is over. 1 hour traveling, there also I studied. Okay, so 3-4 hours are left. Or sir, kuch discipline is over. For example, winter days will come now. Isn't it? It will take some effort getting out of the bed. Wo koi tarika nahi hai sir. Aapne yahan table lamp jalaya. चारों तरफ से रहे वो सम क्लैंडेस्टाइन बुक यू आर रीडिंग आई कैन अंडरस्टैंड बट इफ इट इज मॉर्गन पैरन और एनी अदर बुक विच यू नीड नॉट फील कंपल्शन टू हाइड फ्रॉम इट देर इज नो नीड टू कवर योर सेल्फ अप एंड विथ द टॉर्च लाइट ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्ड्स आर कोई जरूरत नहीं इसकी सर. मेक इट अ हैबिट. एक टेबल भी होता है रीडिंग टेबल कहते हैं, स्टडी टेबल कहते हैं, उस पर रखो किताब. बाहर आ जाओ रजाई से. आई एम नॉट सेइंग दैट प्लीज डोंट वेयर एनी क्लोथ्स, कवर योर सेल्फ एंड देन रीड. पर ये कोई तरीका नहीं है सर. इस तरह की पोस्चरिंग गलत है. क्यों? इट्स नॉट वर्क. अवर एटीट्यूड इज रॉन्ग. अवर एटीट्यूड सर. Last, only virtue, very important, patience. Have patience. Your time will also come. And your time will come to make you an IAS officer. But the point is, sir, our focus should be on work rather than becoming IAS. Because if you work, you become one. Agreed? That is very essential. And I tell you, the beauty of the work is, if done sincerely, even if main target is missed, the substitute target which you arrive at is also one equally interesting. And all-